फॉर द निफ्टी एक्सपायरी, कल के लिए हम वॉक कर रहे हैं। हाउ टू विन ए गेम, अगर उसको विन करना है तो हमको प्रैक्टिस चाहिए, यानी गाइस अगर हमको किसी को विन करना है तो हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट हमारी है, मैं चैट को ओपन कर रहा हूँ गाइस आप लाइक अगर हम किसी को गेम को विन करना है तो हमको क्या क्या चाहिए गाइस। दीपक सर, निया मैम, वंदना मैम, सर गेम्स के सारे टूल्स चाहिए। यानी कि पॉइंट एक ही, हम रैंडम नहीं जाना, तैयारी करके जाना है, राइट? हाँ जी सर, यस सर। तो हम यानी कि हम एक्सपायरी, हम नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी होने वाली है नेक्स्ट वीक में, उसकी को हम आज वही वर्कआउट करने वाले हैं, निफ्टी कहाँ पे होने वाले हैं, हम पर क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। गाइस मेरे को डिस्टर्बेंस आ रहा है, मैं म्यूट बाद में ओपन करता हूँ, क्वेश्चन क्लियर है क्या? वेल ये आप लोगों ने नंबर ऑफ टाइम देखा है, राइट? यानी कि हमें सक्सेस होने स्टॉक मार्केट में तो तीनों कंपाउंड मास्टरी करनी है, जो भी टूल्स लर्न कर रहे हैं हम, टेक्निकल फंडामेंटल, दैट इज ओनली 20%। द सेकंड पार्ट इज मनी मैनेजमेंट, मनी को कैसे एलोकेट करना है, कहाँ करना है, 25%। मेजर पार्ट इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी, डिसिप्लिन और ह्यूमन साइकोलॉजी, हमारे इनसाइड में क्या चल रहा है, यानी कि 80% पे हम लोग अगर काम ही नहीं कर पाते हम लोग, बिलीव मी टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, वो 20% वेटेज है, उससे रिजल्ट नहीं मिल पाता। यानी कि पूरे कंपो करना है तो हमको सबको एक माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल प्ले है, जो कि आप लोगों ने यहाँ फील भी किया होगा। यानी मार्केट में दो बिग मनी है, दोनों की फाइट हो रही है, उनको देखना है कि क्या कर रही है। तो लेट्स सी, आज निफ्टी पे हम वर्क कर रहे हैं, मेन की सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या पॉइंट्स हैं, प्रीमियम क्या चल पा रहा है उनका, ओपन इंटरेस्ट क्या है, निफ्टी के स्टॉक्स क्या बिहेवियर कर पा रहे हैं, और निफ्टी को हम वीकली, डेली, आवर्ली, कल क्या होने वाला है, अगले वीक में क्या होने वाला है, उसको वर्कआउट करेंगे मिलकर। लेट्स सी वर्कआउट, लेट्स सी हम लोग मिलकर काम कर सकते हैं। या मैं आपको निफ्टी के चार्ट के ऊपर लेके जा रहा हूँ सीधे ही, या निफ्टी के अंदर हम देखते हैं पहले बड़े टाइम फ्रेम में क्या देखते हैं। ये हमारे पास निफ्टी के रियल पिक्चर हमारे पास सामने देख पा रहे हैं हम लोग, ये यानी कि ये हमारा बॉटम था, ये टॉप था, हम लोग नीचे की साइड स्लाइड कर रहे हैं, जो एक्चुअल लेवल कहाँ तक आने वाले, मैंने इसको मार्क भी किया था पहले, एक बार दोबारा आपके सामने मार्क भी कर देते हैं। यानी कि निफ्टी की जो डेस्टिनेशन है, यानी कि इसकी डेस्टिनेशन है हमारा, ये है 28.32 पे, यानी कि जो हमारे को जो डेस्टिनेशन है 14,682 निकल के आ रहा है। यानी कि जो ये हमारा जो फॉल अभी चल पा रहा है, ये कहाँ पे पहला स्टॉप लेने वाला है, वहां पे लेने वाला है। अभी हम 402 हैं, यानी कि ऑलमोस्ट हमारे को 14,682 पे एक ब्रेक मिलेगा तब वहां। इसको मैं वीकली में ब्रेक कर रहा हूँ, वीकली में देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारे के ये ऊपर गैप छोड़ के नीचे आया है, इसको फाइनल डेस्टिनेशन ये है, बीच में लटक नहीं सकता मार्केट, ये थोड़ा बहुत ऊपर भी जाएगा लेकिन इसको फाइनली यहाँ पे नीचे आना है गाइस। जो पॉइंट निकल के आ रहे हैं, जो हमारा सपोर्ट निकल के आ रहा है यहाँ पर 14682 निकल के आ रहा है मंथली चार्ट में, और जो हमारा मेन रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हमारा निकल के आ रहा है 16400। यानी कि मार्केट में हमारे ये दो की पॉइंट निकल के आए हैं, यानी कि जो भी होने वाला है ये, इनफैक्ट ये हमारे जुलाई के, मतलब जून तो हम ऑलरेडी खत्म होने वाला, अभी एक वीक एक्सपायरी के लिए बचा हुआ है, यानी कि जुलाई के लिए भी हम लोगों की एक रेंज पे हम लोग यहाँ पर रहने वाले हैं, इसी रेंज के अंदर। अब इस जो हमारी एक्सपायरी है, यानी कि 30 जून के लिए, उसके लिए हम एक वर्कआउट कर सकते हैं, यानी कि हमें दो रेंज मिल गई है, इसको रेंज को कैसे प्ले करना है, इसको अगर डेली में लेके जाता हूँ और डेली में लेके आता हूँ, डेली के अंदर में हमारे पास, यानी कि हमारे पास ये नीचे का बॉटम काफी अच्छा क्लियर है, ऊपर का ये रेजिस्टेंस है, यानी कि इस वीक में हम लोग इसके अंदर ही रहने वाले हैं। अभी बाकी हम ऑप्शन चेन के अंदर चलते हैं, वहां पे हमें क्या क्या पैरामीटर मिल पा रहे हैं, यानी कि हमारे मेजर सपोर्ट तो यहाँ पे मिल गए, अब ऑप्शन चेन में देखते हैं मार्केट की क्या कंडीशन मिल पा रही है। मैं एनएसई साइड में जा रहा हूं,
गए अगेन यहाँ पे हमें यानी कि ओल्ड साइड को मैंने क्लिक कर दिया। आज मार्केट का सेंटीमेंट क्या है कि आज मार्केट कितने ये आज हम माइनस में बंद हुए हैं और हमारा 225 माइनस पॉइंट में बंद है। देन यहाँ लाइव मार्केट में जाएंगे, देन इक्विटी ऑप्शन चेन को क्लिक करते हैं। यानी कि हम कौन सी 30 जून की एक्सपायरी पे देखते हैं कि हमारे पे वहां पर डाटा क्या मैसेज मिल पा रहे हैं। ऑप्शन चेन में हमारा राइट साइड हमारे पुट्स हैं, लेफ्ट साइड कॉल्स हैं। लेफ्ट साइड में सबसे पहला कॉलम है ओपन इंटरेस्ट, देन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। लेफ्ट साइड में हम देखिएगा सबसे ज्यादा हमारा ओपन इंटरेस्ट आ रहा है 15,500 और नीचे होते हैं 15,800 और ऊपर आते हैं 64। यानी कि जो हमारे को जो मैक्सिमम निचले जो अपर लेवल है 15,500 ये निकल के आ रहा है। और यहाँ पे हमारा ओपन इंटरेस्ट है 22,145 और नीचे देखते हैं हाँ एक यहाँ पे निकल गया है 16,000 पे हमारा यानी कि 16,000 तक की इंटरेस्ट ओपन है। 16,000 में हमारा ओपन इंटरेस्ट 70,000 है गया, यानी कि दो लेवल हमारे पर निकल के आ रहे हैं। अब साइड में हमारा 16,000 और तक भी हमारे एक रेंज बनी हुई है, ये हमारा की रेजिस्टेंस पॉइंट निकल के आ रहा है। डाउन साइड देखते हैं, डाउन साइड में हमको क्या नजर आ रहा है। डाउन साइड में हमारा सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट हमारा नजर आ रहा है ये 15,300 और उसके ऊपर जाते हैं 15,200 और नीचे आते हैं 15,200 और उसके बाद हमारा आ रहा है 15,000। यानी कि जो रफली हमारे पास ये कुछ डाटा पॉइंट निकल के हैं, इसको मैं अभी चार्ट से आपके सामने ड्रॉ करता हूँ। इन डाटा पॉइंट्स को चार्ट्स पे हम ड्रॉ करते हैं और फिर हम सपोर्ट इस पे मार्क करते हैं। यानी कि ऑप्शन चेन से जो हमारे को जो डाटा अभी मिल पाया है डाउन साइड में 15,000 और 15,200 यानी कि हम 15,000 के नीचे नहीं जा रहे हैं। ये ऑप्शन चेंज तरिया में जोन में और दूसरा 15,200 तो और छोटा कर लेता हूँ मैं। अभी हम कुछ ना नेक्स्ट वीक के लिए स्ट्रेटेजी भी बनाएंगे, सारा कुछ करेंगे। ये दो लेवल हमारे पास नीचे का ऑप्शन चेंज बता रहे हैं, हम लोग ये नीचे सपोर्ट ही लेने वाले हैं यहाँ पर, ये अच्छा निकल कर रहे। और अपर साइड में हम अगर जाते हैं तो 1,500 ये निकल गए। यानी कि ये दो मेन रेंज निकल के आ रही थी जो निफ्टी जो हमारे जोन की जो एक्सपायरी है हम कहाँ पे बंद होने वाले, इन दो पॉइंट्स के बीच में हम बंद होने वाले इन दो पॉइंट्स की। यानी कि एक एक्सपायरी तो हमारी कल की आ रही है, उसके बाद हमारी नेक्स्ट की आ रही है। यानी कि हम कल के लिए भी प्लान कर सकते हैं इस बेसिस पे, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट वीक में जून के जो एक्सपायरी हम लोग इस बीच के अंदर बंद होने वाले। अब हमको उसमें क्या क्या कर सकते हैं लेट्स सी वर्कआउट देखते हैं। यानी कि हमारा ये लोअर लेवल हो गया और ये अपर लेवल हो गया। यहाँ पे किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो पूछिएगा गाइस, चैट में लिखिएगा। किसी का कुछ क्वेरीज आ रहे हो कुछ पूछना हो गाइस,
इसको बेसिस को लेके मैं स्ट्रेटेजी हम लोग मैं ड्राइव करता हूँ, यानी कि हमें नीचे का लोअर लेवल मिल गया, अपर लेवल ये मिल गया, यानी कि हम लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्ट्राइक को सेल करके और नीचे की एक सपोर्टिंग वर्कआउट कर सकते हैं। लेट्स सी वर्कआउट करते हैं इसमें। ये स्ट्रेटेजी मैंने अभी नेक्स्ट वीक के लिए प्रिपेयर करी है। इसमें हमारे पास ब्यूटी कैश स्ट्रेटेजी की गाइस, जाने के लिए हमारे पास 500 रुपए, आने के लिए 4,500 रुपए, एक्चुअली एडवांस पार्ट है। काफी जो मेरे वन ईयर प्रोग्राम के एनरोल है उनको ही मिल पाएगा, काफी डेप्थ के एनालिसिस है जो सॉफ्टवेयर मेरी स्ट्रेटेजी निकल के आ रही है। इसमें जो मैं जो ब्यूटीफुल क्या है निकल के आ रहा है, जाने के लिए 500 रुपए और आने के लिए हमारे पास आने के लिए काफी अच्छा रिवार्ड्स है, जाने के लिए 500 रुपए, आने के लिए 4,500 रुपए। तो ऐसे ट्रेड लेने में कोई हार्म नहीं होना चाहिए, मार्केट कहीं पे भी जाए कैसे भी जाए। इसको मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा जो भी स्ट्रेटजी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ। इसमें हमने क्या किया है, करंट जो करंट अभी जो चल रहा है निफ्टी 15,400, हमने इसको कॉल और पुट को दोनों को सेल कर दिया है। प्लस क्योंकि नेगेटिव नहीं कर रहे हैं तो सपोर्टिंग के लिए दोनों साइड से कि दोनों लेग्स में हमको कॉल्स को भी और पुट को भी ऐड कर लिया है। जो कॉल हमने 15,500 की कॉल को ऐड किया है, नीचे पुट को 15,300 को ऐड किया है। बस में हमारा क्या ब्यूटी क्या, हम एक्सपेक्ट करें कि जो मार्केट है एक रेंज छोटी सी हमने मार्क किया, यहाँ से मार्केट हमारे पे जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आ रहा है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में, जो हमारा अपर प्रोटेक्शन है 15,491, लोअर 15,308, ये हमारे एक निकल के आ रहे हैं। एक्चुअली जो एक्सपायरी हम देख रहे हैं कि नीचे हमारा 15,200 और ऊपर का जो था 15,500। ऐसी स्ट्रेटजी के पीछे हमारा जो मेन पर्पस जो मेरा जो बनाने का है, ऐसी स्ट्रेटजी बनाने से पहले हमारे को वो पॉइंट्स समझिए कि मार्केट कहाँ पे बंद होने वाला है, कहाँ पे क्या होने वाला है। अब हमने जो अभी जो हमारे पास अभी ऑप्शन चेंज से वर्कआउट करके निकाला, हमारे पास दो पॉइंट निकल गए थे, एंड लोअर साइड में हमने 15,200 और 15,000 ये दो सपोर्ट थे, और अपर साइड में जो रेजिस्टेंस हमको मिल के आए थे 15,500 और 16,000। यानी कि नेक्स्ट वीक में जो प्रोबेबिलिटी जो निकल के आ रही है एक्सपायरी इन दो पॉइंट्स के बीच के निकल के आ रही है, इन दो पॉइंट के बीच के अंदर एक्सपायरी निकल के आ रही है। तो जो स्ट्रेटजी मैंने डिजाइन करी है इसके बीच में हमारा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे बंद होता है, इसके बीच में बंद होता है तो हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट मिलने वाला है, जिसे मैक्सिमम प्रॉफिट इस केस में हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट मिलने वाला है आपके सामने गया। और जाने के लिए 500 रुपए, तो इससे बेटर ट्रेड नहीं होता है। और गाइस पता है इस स्ट्रेटजी में पैसा कितना चाहिए, इस स्ट्रेटजी में पैसा कितना चाहिए, कैन यू गेस? इसमें हमें चार पोजीशन बना रहे हैं, चैट में लिख के बताइए कितना पैसा चाहिए इसको बनाने के लिए। ये ना हमारे 50,000 के अंदर में बन जाएगी स्ट्रेटेजी, ब्यूटी क्या है स्टेट का ब्यूटी क्या है इसके अंदर इसके अंदर बन जाएगी हमारा जो भी कुछ है। परफेक्ट दीपक जी, बहुत बढ़िया। लेट्स सी हुई है हमको मार्केट का क्या बिहेवियर, हमको हमने स्केच कर लिया, उसके बाद हमको स्ट्रेटेजी हमें डिजाइन करनी है, बहुत सारी कम्बिनेशन के साथ निकल के आती है सारा कुछ है। बाकी एक ये स्ट्रेटजी मैं ट्रेड्स आपको शेयर भी कर दूंगा, यानी कि ये हम नेक्स्ट वीक के लिए बना रहे हैं। जाने के लिए हमारे 500 रुपये, मतलब मेंटली हम फ्री हैं, यानी कि मेंटली फ्री है क्योंकि जब हम ऑप्शन में काम कर रहे हैं हमारे को प्रोटेक्ट भी करना है और सेफ भी रहना है, प्रोटेक्ट भी करना है सेफ भी करना है, तो इससे बेटर सेफ हमको नहीं मिल सकता जाने के लिए वो आने के लिए। ये
और क्योंकि लर्निंग है, विदाउट लर्निंग आपको नहीं करना चाहिए, लर्निंग करके इस पर आगे जाना चाहिए सारा कुछ। जाने से पहले एक स्टॉक मेरे को और मिला था, वो आपके पास शेयर करता हूँ। जानना चाहोगे कौन सा स्टॉक है? एक काफी अच्छा ट्रेड सेटअप मिला है इसके अंदर भी। ओके, दीपक जी कह रहे हैं, और किसी को चाहिए? यस सर। ओके, और यस सर। एक्चुअली जब हम फ्यूचर ऑप्शन में काम बहुत बढ़िया, एक्चुअली जब हम फ्यूचर ऑप्शन में काम कर रहे हैं तो हमारी स्ट्रेटजी रही है मैं को लॉसेस को हमें अपने को बैलेंस करना है। मैं कहता हूँ लॉसेस को हमारे को अपने हाथ से पकड़ना है। इससे बढ़िया ट्रेड जाने के लिए हमारे को 500 रुपए, आने के लिए 4,500, तो इससे बढ़िया ट्रेड हो सकता है क्या गाइस? या नहीं? बहुत बढ़िया ट्रेड, मतलब यही है, ये दीपक जी का ही कल उन्होंने डाला था, मैं कहता हूँ इस बारे से सभी को बताया जाए। और दूसरा ट्रेड को भी वर्क करता है। एक और मेरे को फाइंडिंग मिली थी, मैं आपके साथ वो भी शेयर करता हूँ यहाँ पे आज। एक्चुअली एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर हमारे को चाहिए क्या? अगर एज ए प्रोफेशनल आपका ट्रेडर बनना है तो सबसे पहले हमें अपना गेम प्लान होना चाहिए गाइस, गेम प्लान होना चाहिए। देन मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है उसको आइडेंटिफाई करना है, डाइवर्सिफाई और लोड रिस्क को डाइवर्सिफाई करना है, ऑलवेज ट्रेड विद स्टॉप लॉस, बट सेफ्टी के साथ काम करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस। सभी रूल्स को डिसिप्लिनली फॉलो करना है, बिलीव इन योर जजमेंट, बिलीव योर गेम प्लान, बिलीव योर सक्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरा। एक्चुअली एक जो मेरे को निकल के कल एक स्टडी में कर रहा था बैठ के, ये निकल के था हमारा टाटा मोटर। टाटा मोटर का ये देखिए, ये बहुत बड़ा ये कप की फॉर्मेशन में बन गया है, और ये नीचे आके ये हमारे को ये हैंडल अभी फॉर्मेशन चल रहा है, फॉर्मेशन चल रहा है। ये ट्रेड बहुत अच्छा ट्रेड, हमको यहाँ से अभी पिक करके इसको हम आगे तक ले जा सकते हैं, ये मल्टी बैगर ट्रेड कह सकते हैं हम लोग, मतलब अभी फॉर्मेशन बिल्डअप है, चल रही है। ब्यूटी वही है कि ट्रेड होने के बाद हमको बता सकता है, ये बहुत ब्यूटीफुल एक कम फॉर्मेशन हो चुका है और हमारे हैंडल की आधा फॉर्मेशन हुआ है, और बहुत जल्दी हमारे को यहाँ पर एक जैसे हमारे जो रूल्स है यहाँ पे बाइंग सेटअप तैयार होगा, तो उसको यहाँ पे हम एंट्री करेंगे और स्टेट को आप देखिए कि कितनी बड़ी जर्नी हम बना सकते हैं, मतलब यहाँ तक तो टारगेट ये होने वाला है, उसके बाद अगला जर्नी काफी बड़ी होने वाली है। ट्रेड तो वही है कि हम टाइम लगता है, एक अच्छे ट्रेड को लेने के लिए टाइम लगता है, यानी कि स्टेट को आने में हमारे को 15 से 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन वो ट्रेड आने वाला है तो पेशेंटली वेट भी करना पड़ता है। यानी कि कोई अच्छा ट्रेड आपको पिक करना है तो उसको वेट भी करना पड़ता है, तो उसके मल्टीपल रिजल्ट आगे वाले हैं। एटलीस्ट में ये पहले तो कब बनेगा, कब बन के जो कब का जो डेप्थ है वो आगे आने वाली है गाइस, ये काफी बड़ा ट्रेड है निकल के आने वाला है।